वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, एसएससी ने जीडी कांस्टेबल 2018 का नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियली जो है आपको 21 जुलाई 2018 को आ जाएगा। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, क्योंकि एसएससी बहुत बड़े अमाउंट में ये है वो आपका वैकेंसी निकाला है जीडी कांस्टेबल के लिए एसएससी में। आप देख लीजिए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था, तो आप इस चीज को देखें। सबसे पहली बात तो ये आप देखिए, फर्स्ट में क्या है कि इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 नोटिफिकेशन। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपको 21 जुलाई 2018 से ये आपको आ जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो होगा आपका 20 अगस्त 2018 को। 20 अगस्त 2018 को आपका लास्ट डेट होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 21 जुलाई को जब ओपनिंग जब होगा और आप कम 25 से लेकर 30 के बीच में आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लास्ट में भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, सर्वर डाउन, ये डाउन, तो इसकी वजह से। और कितने पोस्ट के लिए निकाला गया है, तो 57,000 पोस्ट के लिए निकाला गया है। समझ लीजिए कितना बड़ा है ये 57,000। और इसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिए क्या है, कि जो भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले हो, वो डिप्लोमा वाले हो, चाहे वो 10th पास हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो जाए, ठीक है, वो आप देखिए, जो 2017 में जिस हिसाब से जो गाइडलाइन था, जो भी इसका था कि मतलब क्या मेजरमेंट होना चाहिए, हाइट क्या नहीं होना चाहिए, वो सभी जो है वो इसमें आपको 2017 के हिसाब से चलेगा, जिसमें हाइट जो है मेल का वो है 170 सेंटीमीटर और जो फीमेल है उसके लिए 157 सेंटीमीटर आपको हाइट। जो चेस्ट है वो आपको एक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम आप जो है 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक बात रही वेट की, तो कहने का मतलब है कि जो आप समझ लीजिए कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल एंड फीमेल किस हिसाब से, तो प्रोपोर्शनेट एज पर द हाइट। ठीक है, जैसे कि आपका हाइट अगर जितना होगा, ठीक है, उस हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए, ऐसे आपका कैलकुलेट होगा। जैसे कोई अगर 180 सेंटीमीटर का उसका हाइट है, तो उसका कितना वेट होना चाहिए, उस हिसाब से आप उसके कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें कांस्टेबल के लिए, तो वही सेम पैटर्न होता है जैसे कि एसएससी में होता है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया, जिसमें आपको अगर एसएससी का आप सेट से जुड़े हुए हैं, आप रीजनिंग बनाते हैं एसएससी के, तो आप आराम से इसके रीजनिंग को आप सॉल्व कर लेंगे। सेम वही होता है, समझ गए, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, इन सब टाइप के रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं। जनरल नॉलेज, जो भी एसएससी का आपको जनरल नॉलेज हुआ और जो करंट अफेयर्स में जनरल अवेयरनेस हो गया, वो सारे आपको क्वेश्चन जो है वो आपको सेम वैसे ही रहते हैं, वही पैटर्न होता है, जहां पर आपको हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिटी, एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इटीसी। अगर आप देखेंगे सिलेबस एसएससी के, वो भी सेम है जो कि आपको कॉन्स्टेबल के लिए है। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, इसमें एडवांस मैथ नहीं है। ठीक है, ये आपको एक प्लस पॉइंट हो गया कि एडवांस मैथ नहीं है। जो अर्थमेटिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सब जो क्वेश्चन आते हैं। एक मेंसुरेशन है, वो हो गया, मेंसुरेशन हालांकि अर्थमेटिक में ही ले लिया जाता है। एक नंबर सिस्टम हो गया, बाकी सब कुछ अर्थमेटिक का ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। बेसिक जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपको टेस्ट किया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन का लेवल होगा वो मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, उस लेवल का होगा, और आपको कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए कि हाउ टू अप्लाई फॉर द एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018। तो आप इसके साइट पे जाएंगे और वहां पर जाकर 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। और जहां तक बात रही एज के बारे में, आप जान लीजिए कि जो भी कैंडिडेट्स 18 साल से 23 साल तक हैं, 23 साल के बीच में है, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एक इसमें है कि 23 साल के बाद वाला नहीं भर सकता है और 23 साल के पहले वाला नहीं फॉर्म को फिल कर सकता है, क्योंकि कांस्टेबल का पोस्ट है, तो इसके लिए थोड़ा सा यंग एज में ही हो जाता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप इस चीज को आपके साथ शेयर मैंने किया।
और जैसा होगा आगे इसके बारे में कोई नया न्यूज़ होगा वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।